राजकीय बौद्ध संग्रहालय में किलकर्स द्वारा फोटो प्रदर्शनी लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सदर सांसद रवि किशन ने फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान सदर सांसद रवि किशन ने बारीकी से फोटो प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक यशवंत सिंह ने बताया कि दो दिन बाद विश्व फोटोग्राफी दिवस है, जिसको देखते हुए संग्रहालय में फोटो प्रदर्शनी लगाया गया है। इस फोटो प्रदर्शनी में पर्यावरण, प्राणी उद्यान, फिल्म, मंदिर की फोटो लगाया गया है, जो कि सराहनीय है। इस अवसर पर सजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी, महामंत्री मनोज यादव, फोटोग्राफर संगम दुबे, प्रांजल साहू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भाई मोबाइल पीछे कर लो यार। लंदन आए थे, तर्ज पर हम दिए थे, वो एक्सेप्ट कर लिया। अध्यक्ष जी और आगे चलिए। हालांकि गोरखपुर में छायाकारों की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है, बहुत अच्छे अच्छे छायाकार रहे हैं। एक जमाने में गोरखपुर में और इससे हटके भी हम लोग कुछ सोच सकते हैं, तो वहां से प्रेरणा मिली और हर समय हम लोगों को पूरा पूरी तरह से मानसिक रूप से हम लोग को तैयार करा। हम लोग भाग रहे थे कि हम लोग कैसे कर पाएंगे, हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं खुद ही, और ये कैसे इतना बड़ा काम कैसे हो पाएगा। तो बड़ा उनका संबल मिला और उसी का प्रतिफल आज है। हम लोग धीरे धीरे करते, ये आठवां सीजन है, लगभग 10 साल से हम लोग कर रहे हैं, ये आठवां सीजन का है और लगातार हम लोग तराशते रहे, करते रहे, हमको सामने बहुत कुछ बदल रहा है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर फोटोग्राफर साथी, एक जमाना था जब हम उनको फोटोग्राफर कहते थे, ये शब्द बाद में फोटो जर्नलिस्ट हुआ और आज की तारीख में हम उनको विजुअल स्टोरी टेलर कहते हैं, क्योंकि वो सचमुच विजुअल्स के जरिए ऐसी कथाएं रचते हैं जिनमें हम खो जाते हैं, और सिर्फ खो नहीं जाते हैं बल्कि जिनकी ऐसी स्मृतियां अपने दिमाग में लेकर जाते हैं जो लंबे समय तक हम बहुत सारी चीजें भूलने लगते हैं। लेकिन सामने बैठे अपने लेखनी और कभी पत्रकारिता से समझौता न करने वाले इसमें मुख्यमंत्री की पीआरटी में सक्रिय श्री धर्मेंद्र सिंह जी, महेश्वर जी, प्रेस क्लब के महामंत्री मनोज यादव जी, सत्येंद्र सिन्हा जी, मैं सभी आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की नींव पड़ी जब संगम जी समेत सुशील शाही, सुशील राय, ये लोग बाहर से आए थे। उस समय मुझको लगता है कि हम लोग प्रेस क्लब में मैं महामंत्री या कोषाध्यक्ष था। यहाँ पहले से ही अभिनव चतुर्वेदी जी, संजय शर्मा जी, मुकेश पांडे जी, गुड्डू जी, सारे लोग थे। मैं भी कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। पत्रकारिता की शुरुआत जब की मैंने, तो मैं भी पहले फोटो जर्नलिस्ट था, बाद में फिर लिखना शुरू किया, फिर टीवी से जुड़ा। तो हम लोगों ने कोशिश की कि यहाँ शहर की जो चीजें हैं उसको दिखाने के लिए चित्र ही सबसे संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक यशवंत सिंह ने कहा, गोरखपुर में विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर, क्योंकि विश्व फोटोग्राफी दिवस दो दिन बाद 19 को है, लेकिन हमने इसको एक वीक के रूप में सेलिब्रेट करने का प्रयास किया है। और जो गोरखपुर की क्लिकर्स
नाम से जो संस्था है उसके साथ हम लोगों ने सम्मिलित प्रयास है ये, और इसमें जो गोरखपुर का विकास हुआ है उसके बदलते स्वरूप और साथ में जो पर्यावरण से संबंधित जू से संबंधित चित्रों को एकत्र किया गया है और उन चित्रों को यहाँ हम प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें पूरे गोरखपुर का साथ मिला है और इसमें जो फोटो जर्नलिस्ट हैं वो भी शामिल हैं, स्वेच्छा से फोटोग्राफी करने वाले हॉबी जिनकी हॉबी है वो व्यक्ति भी शामिल हैं और बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स यहाँ बीच में आए हैं। ये प्रदर्शनी आज शुभारंभ होगी और इसके मुख्य अतिथि हमारे गोरखपुर के लोकप्रिय माननीय सांसद रवि किशन जी हैं और विशिष्ट अतिथि सहजनवा के विधायक महोदय हैं, माननीय विधायक महोदय वो भी इसमें जुड़ेंगे। ये गोरखपुर संग्रहालय का प्रयास है कि हम इसको एक वीक के रूप में मनाएं और कल इसमें जो प्रतिभागी शामिल हैं उनके एक वर्कशॉप होगी और उनके पुरस्कार और प्रमाण पत्रों का वितरण होगा।